बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो भी हम लोग आज वीडियो ना में अपना दे दिया है केमिस्ट्री का अच्छा डे एग्जाम, और आज का जो एग्जाम था वो काफ़ी चौंका गया था हम लोगों ने। तो भी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, और मेरे फ्रेंड ने मेरे को किया है कॉल, तो भी उसके पास जाएंगे और उससे थोड़ी करेंगे हताई। अच्छा उसके बाद देखते अपनी ट्रेन भी आज है लेट, तो भी इन दिनों ट्रेन चल रही है काफी लेट, तो हम लोगों को जो एग्जाम देकर आते हैं उसमें काफी मजा आता है, ताकि जो हमारी ट्रेन वगैरह वो भी हम लोगों को मिल जाती है और आसानी से चले जाते हैं अपने घर, वरना बस के अंदर जाएंगे तो जाएंगे काफी परेशान। और आज का एग्जाम भी मेरा काफी अच्छा गया था, और टीचर वगैरह आए थे काफी स्ट्रिक्ट, किसी बीच जो भी क्वेश्चन वगैरह जितने भी करना था तो सब कुछ हमको ही करना था किसी बीच। अभी हम लोग जा रहे हैं आशीष के साथ में, आशीष बोल रहा है अगर पेपर बेकार गया, और तू बोल रहा है कि अच्छा गया था तो फेल हो गया, तो देख ले तेरे फेम जो यूट्यूब फैमिली वाले वो बोलेंगे, अगर पेपर इतने अच्छे गए तो बंदा फेल कैसे हो सकता है। तो मित्रों देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। कॉपी राइट बोल रहा है जो मैंने बात बोली थी अभी, कपिल बोल रहा है वही चीज़, और काफ़ी हो रखी है धूप, तो इसी बीच हम लोग निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन और पास में पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के, रेलवे स्टेशन नहीं हम रेलवे स्टेशन पर गए हैं। पर अभी हम लोग अपने जो फ्रेंड हैं उनके भी आए हुए वीडियो कॉल, तो अभी आशीष उनसे लड़ा रहे कपिल शपे, और बातों बातों में हम लोग रेलवे स्टेशन भी पहुँच चुके हैं। और इस तरफ भी जो मैंने लगाई थी पर अपने यहाँ पर प्रोग्राम था रैली का लगी हुई यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर, और 22 तारीख को परशुराम जयंती, पर अभी मेरा एग्ज़ाम है डायरेक्ट 21 तारीख को, तो 22 तारीख को अगर मेरे एग्ज़ाम है नहीं, और काफ़ी एंजॉय करेंगे परशुराम जयंती के अंदर, और ये काफ़ी भव्य प्रोग्राम होगा हमारे गांव के अंदर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम लोग पुल के ऊपर बैठे थे, तो इसलिए जरूर जा रहे हैं नीचे की तरफ, और वहीं से बैठेंगे अपनी रेलगाड़ी के अंदर ट्रेन। और भाई जी हमारी तरफ देख रहे हैं, ट्रेन तो आ चुकी है, अभी बैठते हैं, सामने भी एक ट्रेन आई है तो पहले उसे निकालेंगे, उसके बाद हम लोगों को लेकर जाएगी ये ट्रेन अपने गांव ठिकाने। छोटी का तो इधर से जाएंगे मोटरसाइकिल पर, क्योंकि मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा है अपना भाई प्रदीप, तो यहाँ से अपने टेट कॉलोनी तक जाएंगे बाइक से। बस स्टैंड आई उड़ा बस स्टैंड है, अभी हमारा हो रहा है वेट अपने दोस्त का। 3 hours later जाकर आ चुके हैं भोलेनाथ जी के मंदिर, और अभी आरती वगैरह हम लोगों ने कर लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर पर अपने कॉलोनी के अंदर बाहर, और अभी सब लोग जा रहे हैं ऋषिकेश, सूर्य प्रकाश राखी टोनू दिया भाभी जी कृष्णा और सभी छोटे बच्चे सभी लोग जा रहे हैं। मेरा भी प्लान था आज जाने का, वरना हम लोग तो जाएंगे अब अलग से अपने छुट्टी मिलेगी तब, और अभी ये सब लोग रेडी होकर निकल रहे हैं, और मेरा जी मेरा दिल काफ़ी दुख पा रहा है। अभी ये ऋषिकेश नहीं बल्कि गणेशा जा रहे हैं, कन्फ्यूजन था, तो फाइनली सभी निकल रहे हैं प्रणाम करके, काफ़ी आगे चले गए, तो अभी उनके पास ही जा रहा हूँ मैं। और मेरा तो प्लान हो चुका था कैंसिल जाने का, पहले तो मेरा भी प्लान था आज रूनी से जाने का, लेकिन उसके बाद कैंसिल हो गया,
तो भी जैसे ही हम लोगों की कॉलेज से भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 28 तारीख को एग्ज़ाम है लास्ट, तो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होंगे उसके बाद देखते हैं रुनीचा जाएंगे हम भी और बढ़िया बनाएंगे ब्लॉग्स, और दो दिन रुकेंगे देखते हैं जोधपुर, और वहीं से जोधपुर भी पूरे टूर करेंगे, और साथ में रुनीचे का भी प्लान है मेरा। तो फाइनली हम लोग निकलते हैं वापस घर पर, और इन लोगों को डिजाइन बोल दिया है।